हे गाइस ऑल एवरीवन, अब हम लोग करते हैं 30 मई और 29 मई का सेशन। कल बहुत ही आंधी तूफान और इलेक्ट्रिसिटी कट की वजह से आपका सेशन नहीं हो सका। बहरहाल आपका सेशन आप लोगों ने कंप्लीट सुना है, हर रोज़ सुना है, गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। लाइक कमेंट करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, और साथ ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें जहाँ आप एक्टिव होते हैं। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन टू द टाइम मिलती रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इट्स मी बुशरा खान, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये मनाया गया है 29 मई को, 29th of May को मनाया गया है। 1948 से लेकर जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में के लिए काम किया और संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी जान दी, कम से कम 4200 सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने शांति को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दिया। ठीक है, 1948 से लेकर, तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम है पीपल प्रोग्रेस, एक सेकेंड। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रही हूँ दोबारा सुन, पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप क्या थीम है? पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप, तो ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट डेज में के रिवाइज कर लें। अब सुने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाल ही में INS गोमती को अभी कहाँ 34 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया है? हाल ही में 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को कहाँ सेवानिवृत्त किया गया है? तो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड में इसको मुंबई के अंदर सेवानिवृत्त किया गया है 34 ईयर्स की सर्विस के बाद, किसको? INS गोमती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट बैंक के सार्वजनिक आरोहण बैठक 4.0 का 2 दिवसीय आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी मुंबई में, कहाँ? मुंबई में भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों की एक सार्वजनिक बैठक हुई है, जिसके 4.0 वर्जन का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ है। अब ये नई दिल्ली में हुआ है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, 2018 में स्थापना हुई, जय वेंकट रमन इसके हेड है, जय वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। अब उड़ीसा के फैक्ट्स आप सारे खुद रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित मेयर चुनी गई हैं? हाल ही में भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित मेयर चुनी गई हैं? तो लंदन की पहली दलित मेयर चुनी गई हैं, क्या नाम है? मोहिंदर के मिधा, और ये भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
कहाँ दिल्ली सीमा शुल्क ने, नहीं क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हाँ कहाँ दिल्ली सीमा शुल्क ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए और कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। कहाँ यानी कि कहाँ तो छोड़िए, या फिर ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए, दिल्ली से तो दिल्ली में समझ में ही आ रहा है ना, कहाँ छोड़िए, क्वेश्चन ऐसे लीजिए, हाल ही में दिल्ली सीमा शुल्क ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट निगाह, प्रोजेक्ट निगाह ये भी दिल्ली सीमा शुल्क ने शुरू किया है अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए, ठीक है याद रखना। इरादा कर लिया हमने, ये एक शिक्षा गीत रिलीज़ हुआ था दिल्ली में, स्कूल हेल्थ क्लिनिक खोले गए, और अभी राज्यपाल कौन बने दिल्ली के, विनय कुमार सक्सेना, और बहुत से फैक्ट्स हैं दिल्ली के जो मैंने आपको बताए, सब आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुल्ताना बेगम का निधन हो गया, ये कौन थी, तो ये एक लेखिका थी, राइटर थी, पंजाब की राइटर थी सुल्ताना बेगम, और इनकी एक बुक है सुगुफे, सुगुफे सुगुफे एक इनकी बहुत फेमस बुक है सुल्ताना बेगम की, और इनका अभी निधन हो गया, तो आपने याद रखने हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन है, हाल ही में 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेड पार्टनर कंट्री कौन सा बना है, तो USA। अभी तक चीन भारत का यानी चाइना अपने इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था, लेकिन अब सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है कौन, USA किसका, अपने इंडिया का 2021-22 में, अब US बना है तो USA सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तो बन ही गया है, और स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी, वो क्या कहती है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश भी है, जो अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है अच्छा, और जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं उनके लिस्टेड होने के मामले में नंबर वन है अमेरिका। यूजीन पार्कर ये खगोल वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हो गया। केतन जी ब्राउन जैक्सन ये एक सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी है, ठीक है, और एंटनी ब्लिंकन का नाम याद रखिए, विदेश मंत्री इंडिया भी आए थे, और पहली सेना सचिव महिला सेना सचिव कौन, क्रिस्टीन बरमूद, और कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता के मामले में कौन सा है पहला या दूसरा, ये आपको बताना है। जो बाइडन करंट प्रेसिडेंट हैं, इनकी बुक्स मैंने आपको बताई है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, कमला हैरिस, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ बी होल्ड, और स्मार्ट ऑन क्राइम, ये वाइस प्रेसिडेंट है, आश्वेत महिला है, पहली जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, कोपेंडिया और वज्र प्रहार। अच्छा जो उसके पूर्व राष्ट्रपति थे कौन, इनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया खुद का, ट्रुथ सोशल, कौन सा, ट्रुथ सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अभी शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है मुंबई में, कहाँ, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ, हाल ही में नीरज चोपड़ा, हाल ही में किसका, किसको, कोहटाने ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमी में भेजने के लिए भारत सरकार ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है, हाल ही में किसका कोहटाने ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमी में भेजने के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया है, किसने, भारत सरकार ने, तो जी हाँ, नीरज चोपड़ा ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जो है कोटाने प्रशिक्षण अकेडमी, सॉरी कोटाने ओलंपिक प्रशिक्षण अकादमी, यानी कि कोटाने ओलंपिक ट्रेनिंग अकेडमी में जाना चाहते हैं, और ये है कहाँ, फिनलैंड में, तो भारत सरकार ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है,
नीरज चोपड़ा, आपको पता है नीरज चोपड़ा स्टेडियम अब पुणे स्टेडियम का नाम भी हो गया है, पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे टोक्यो ओलंपिक के, है ना। और इन्होंने आर्चरी में जीता था, याद है आपको। अच्छा, और नीरज चोपड़ा ने ये रिक्वेस्ट की थी कि कोटा ने फिनलैंड जाना चाहते हैं ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमी में, तो उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया केंद्र सरकार ने। ठीक, कोई हाँ, एक क्वेश्चन से पहले सुनिए कि भारत ने शिक्षा एवं एक शिक्षा एवं कार्य समूह का गठन किया अमेरिका के साथ मिलकर, ये भी आकेगा। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में एक क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन आर्म ने कहा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। पवन यानी विंड और या एयर कहिए या और सौर सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट को लगाने की कहाँ लगाने के निर्देश दिए हैं या घोषणा की है, तो जैसलमेर राजस्थान में। क्या? जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में भारत का सबसे ऊंचा खादी का राष्ट्रीय खादी ध्वज को फहराया भी गया था जैसलमेर राजस्थान में, ये भी याद रखना ये फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में वर्क फ्रॉम होम करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसको घोषित किया गया है, यानी घर से कार्य करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर किसको माना गया है, तो सिंगापुर को। सिंगापुर वर्क फ्रॉम होम के लिए बेस्ट सिटी है, कंट्री भी है, सिटी भी है। ठीक है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है हलीमा याकूब, प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और ली शियन लुंग, ये प्रधानमंत्री है। सिंगापुरियन डॉलर ये करेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है, हाल ही में भारत का पहला बायोटेक पार्क कहाँ बनाया गया है और उसका उद्घाटन किसने किया है, तो जम्मू के कठुआ में भारत का पहला बायोटेक, उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क खोला गया है या बनाया गया है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ बना है, अब जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बना है, इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य हमारे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट बायोटेक पार्क का, और जम्मू के कठुआ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कहाँ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी की हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं कैसे भी, किस राज्य के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, ये राजस्थान के लिए ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं। बामो टेक्निक अफ्रीका की है, चीतल हिरन को पकड़ने में इसका इस्तेमाल किया गया है, केवलादेव खाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी भी है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। टोट आर्टिलरी गन सिस्टम का अभी परीक्षण हुआ है, और एक हेलेना ये टैंक रोधी मिसाइल है, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। वायु शक्ति अभ्यास ये भी इसका आयोजन किया है हमारी इंडियन नेवी ने, ये भी याद रखना। और ठीक है तो बहुत सारे फैक्ट्स, रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य इसको पहला बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है राजस्थान का, यहाँ सरिस्का रणथंभौर
और डेजर्ट नेशनल पार्क भी हैं। और तो मैंने आपको बताया ही है, प्रशासन गांव के संग अभियान चलता है यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट चेस, डेजर्ट चेस के अलावा ऑपरेशन सरधवा ये भी चलता है, दो ऑपरेशन है। बैक टू महिलाओं के लिए बैक टू वर्क की योजना, उड़ान योजना, और उड़ान योजना के और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, कामधेनु डेयरी योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये सब कामधेनु डेयरी योजना हो गई। हाँ, ये सब कहाँ चलती हैं? राजस्थान में। और यहाँ राजस्थान को पहला एल रूट सर्वर प्राप्त हुआ है। राजस्थान को क्या पहला एल रूट सर्वर प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रतापगढ़ पहला डिस्ट्रिक्ट बना था राजस्थान का जिसमें 100% लोगों को कोविड वैक्सीन दिया गया था, कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज दे दिया गया था। और जयपुर कैपिटल भी है, यहाँ पर भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। और यहाँ पर पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्रा गवर्नर हैं, ठीक है। और फैक्ट जैसलमेर वाला फैक्ट मैंने अभी आपको बताया ही था पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग का खिताब जीता है? हाल में किस राज्य ने फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग का खिताब जीता है? तो केरल का फुटबॉल क्लब है, केरल का एक फुटबॉल क्लब है, केरल के एक फुटबॉल क्लब ने जीता है क्या हीरो इंडिया वीमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब, सेतु फुटबॉल क्लब को हराकर, ठीक है, सेतु फुटबॉल क्लब को हराकर जीता है। और ये जो केरल का गोकुलम क्लब है, गोकुल, गोकुल से बना है गोकुलम क्लब, इसी ने सेतु क्लब हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो लीग वीमेंस, हीरो वीमेंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है क्या फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो लीग वीमेंस का खिताब जीता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, दोनों कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया गया है? ये 28 मई को मनाया गया है, क्योंकि 29-30 का सेशन कर रहे हैं तो दोनों बताना ज़रूरी है। 28 मई को मनाया गया है महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करने, उन्हें जागरूक करने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस मनाया जाता है हर साल 28 मई को। और इस बार की थीम थी, क्या थी? रेजिस्ट एंड परसिस्ट, रेजिस्ट एंड परसिस्ट, ये इसकी थीम थी अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस की। क्वेश्चन ने, हाल ही में WTO की समिति का नया अध्यक्ष विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो चुना गया है अनवर हुसैन शेख को, अनवर हुसैन शेख ये WTO की समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। निगोची, इसके बस एक ही नाम याद रखिए, नेगोची, ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 1995 में स्थापना हुई जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया है? तो पिक्स, वो भी जंगली सुअर, उनको मारने का आदेश दिया है स्थानीय निकायों को केरल सरकार ने। ऐसे जंगली सुअर जो ह्यूमन लाइफ के लिए और फसलों के लिए नुकसान बनते हैं, क्योंकि लोगों को भी मार देते हैं इनके, बहुत कर्रा हमला करते हैं और लोग मर जाते हैं, तो ह्यूमन लाइफ के लिए और फसलों को तबाह कर देते हैं, फसलों के लिए ख़तरा है, तो इस तरह के जीवन, इस तरह के जो जंगली सुअर हैं उनको मारने का निर्देश दिया है, आदेश दिया है, आदेश दिया है केरल सरकार ने स्थानीय निकायों को। अब केरल, केरल की बात करें, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की इन्होंने केरल में, परिवर्तनम योजना भी चलती है मछुआरों के लिए। पिनरई विजयन
कौन है चीफ मिनिस्टर है? तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और तिरुवनंतपुरम में ही अभी केरल के केरल ओलंपिक गेम्स शुरू हुए। संतोष ट्रॉफी 2022 केरल ने पश्चिम बंगाल को हरा कर जीती। विश्व बधिर क्रिकेट चैम्पियनशिप 2023 यहीं होगी केरल में। तो ये बातें सब क्लियर हो गई, ठीक है। अब केरल की बात करें, पद्मशैली के पुरस्कारों को भी शुरू किया केरल ने, पहला असम ने किया था, फिर केरल ने। कुबलांगी पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना पूरे भारत का, केरल का ही नहीं पूरे भारत का। फिर केरल आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता। पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस केरल को मिला। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल को मिला। मसाला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ खुला? ये कोझिकोड केरल में खुला। और रोबोटिक सेंटर, ये भी पहला रोबोटिक सेंटर केरल में खुला है ना। SDG इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा केरल। बहुत सारे फैक्ट्स हैं केरल के तो, मगर इतने ही बताया मैंने आपको। के फोन प्रोजेक्ट, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और तिरंगा पहल, ये सब कहाँ शुरू हुआ? ये केरल में। और अनाईमुडी शोला के पमडम शोला मध्य के एकटक शोला और एरबिकुलम शोला, जितना भी जिसमें भी शोला लगता है सब नेचुरल पार्क आए केरल में। और त्रिशुवपुरम और मकरबलक्कू बिसु नववर्ष उत्सव, थैयम शबरीमाला उत्सव, ये सब केरल में मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में BPCL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने का फैसला किया है? तो भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में 53% हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है। 53% हिस्सेदारी बेच देगी अब केंद्र सरकार BPCL के अंदर, ठीक है, याद रखना। MR कुमार इसके हेड है। 1952 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई में हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो गुजरात में भी एक ज़िला है, मेरे दिमाग से उतर गया उसका नाम, कलोच ज़िला है कि क्या है, कलोच ही ज़िला है वो, एक मेरे दिमाग उतर गया ऐसी ऐसी कुछ है कलोच वलोच करके। तो गुजरात में उसका नैनो, उसी में गुजरात के अंदर है वो कलोच ज़िला, कलोच या ऐसी कुछ करके है, वाला का से ही है। तो नैनो यूरिया संयंत्र यहीं फिर आएगा तो मैं बता दूंगी, मेरे दिमाग में नैनो यूरिया संयंत्र यहाँ पर लगाने का निर्णय लिया है। पहला नैनो यूरिया संयंत्र है जो गुजरात के अंदर लगाया जा रहा है। विश्व पाटीदार सम्मेलन ये अभी आयोजित होगा, एक हो रहा है, इसका उद्घाटन किया है सूरत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जामनगर में अभी WHO के साथ मिलकर ट्रेडिशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया गया। मोरबी में हनुमान प्रतिमा लगाई गई 108 फीट ऊंची, पहले हिमाचल प्रदेश में लगी, अभी पश्चिम में गुजरात में, अभी साउथ और ईस्ट बाकी है, ठीक है। और एक जो है डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहरहाल गुजरात के बहुत फैक्ट्स हैं, आप सब रिवाइज कर लेना। और यहाँ पर वनसुधा नेशनल पार्क गिरी एशियाटिक लॉइन के लिए ये नेशनल पार्क है, और एक है वनसुधा मरीन गिरी, और एक कौन सा रह गया, ब्लैक बक, ये नेशनल पार्क है। नल सरोवर कंकड़िया खिजारिया धोल ये लेक्स हैं। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गांधीनगर कैपिटल, गांधीनगर का भी मैंने आपको कुछ बताया, अहमदाबाद का भी बताया, सब फैक्ट्स आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कौन कौन सी पहली फैक्ट्रीज हैं जो खुली हैं गुजरात में, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किसने इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द किया है? तो
तो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है और माधवीपुरी इसकी हेड है, माधवीपुरी कुछ इसकी हेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अभी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है? हाल ही में अभी किसने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के या चीफ जस्टिस जजेस हों चीफ जस्टिस हों के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया है? तो उत्तराखंड ने, जी हाँ, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता पर एक पैनल बनाया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और चीफ जस्टिस के नेतृत्व में। वो कौन है मुख्यमंत्री? मैंने आपसे कहा था बहुत आसान है, बार बार बताती हूँ कौन है कौन है कौन है, हमेशा ही बताती हूँ, नहीं बताऊँगी, गवर्नर भी नहीं बताऊँगी, गवर्नर भी बताती रहती हूँ। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, उसका आप जवाब नहीं लिख सके, फिर आ गया ना उत्तराखंड का क्वेश्चन, हमेशा ही बताती हूँ, नहीं बताने वाली हूँ आज। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसैंड समर कैपिटल है, सोंग डैम सूर्य डैम सूर्यदेव झील, इस सब कुछ देहरादून में है। और किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर बताइए जल्दी से, देहरादून एक हेडक्वार्टर है, किसका है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का तो केरल में है, और हाँ केरल में बता दूँ पेरियार नेशनल पार्क भी है और शांत घाटी भी है केरल में। खैर बहरहाल उत्तराखंड के देहरादून में बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, ASI का। ठीक है, नेक्स्ट को देख, उत्तराखंड में कौन कौन, राजा जी गोविंद पंथ पशु विहार, नंदा देवी ये नेशनल पार्क हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर, जिम कॉर्बेट पुराना नाम हैली है, बीचों बीच से राम गंगा नदी बहती है, पूरा नाम पूछा जाए तो हैली नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है, और राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, है ना, याद रखना। और यहाँ पर हरेला पर फूल दही महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी कहाँ रक्षा संपदा सर्किट बनाने की अनुमति दी है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ यानी किस राज्य में रक्षा संपदा सर्किट बनाने की अनुमति दी है? तो उत्तराखंड में रक्षा संपदा सर्किट बनेगा। अभी स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? वो उत्तराखंड बना। इको सुराही टूरिज्म जोन को स्थापित करने वाला कौन बना? उत्तराखंड बना, है ना। बहुत सारे फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के, बहुत सारे। 1064 भ्रष्टाचार रोधी ऐप अभी लॉन्च की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, और देहरादून BRO@63 एक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत। भारत ने 33 मेडल जीते हैं, 13 गोल्ड मेडल है, 15 सिल्वर मेडल है, और 13 और 15 और 5 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो 15 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, 13 गोल्ड, ISSF वर्ल्ड कप में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और याद रखना, ड्रोन से याद आया मुझे, ड्रोन स्वास्थ्य बताया था अभी आपको उत्तराखंड, तो ड्रोन फेस्टिवल भी अभी पहला ड्रोन फेस्टिवल शुरू किया गया है नई दिल्ली में, उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और यहीं ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का भी शुभारम्भ किया गया है। और हाँ एक और बता दूँ, ISSF वर्ल्ड कप में सेकंड नंबर पर इटली रहा था, फर्स्ट पर इंडिया, सेकंड पर इटली। और इसका ISSF के बारे में बता देती हूँ, 1907 में स्थापना हुई, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन
शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, म्यूनिख में इसका हेडक्वार्टर है, और व्लादिमीर लिसेन ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की समिति का IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो लवलीना बोरगोहिन। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन है, हाल ही में भी कजाकिस्तान की चौथी सुरक्षा वार्ता पर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांगवे, और इमोमली रहमान इसके प्रेसिडेंट है, और तजाकिस्तानी सुमोनी इसकी करेंसी है, याद रखना है आप लोगों ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास पर रखा गया है? सेला पास, इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। एक नई बंदर की प्रजाति का ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अर्यन जनजाति यही है जो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन में खुद चली जाती है। गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, और ईटानगर कैपिटल। पक्की पागा हॉर्नवेल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है, हॉर्नवेल फेस्टिवल, जबकि नागालैंड में मनाया जाता है, और पक्की पागा हॉर्नवेल यहाँ पर। पक्की पागा टाइगर रिजर्व है, और नामदफा नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, और डेपोरी जो ब्रिज, ये भी याद रखिएगा, ये सब अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट्स है। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी भारतीय व्यापार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हमारी वाणिज्यिक उद्योग राज्य मंत्री हैं अनुप्रिया, इन्होंने अभी नई दिल्ली में भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कहा है कि अब स्टेट यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे? किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति मुख्यमंत्री होंगे या होंगी? तो ये घोषणा की है वेस्ट बंगाल ने। देखिए, वैसे होता क्या है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनके वाइस चांसलर होते हैं गवर्नर, लेकिन ये ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, इन्होंने घोषणा की है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की मुख्यमंत्री अब कौन होंगी, वो होंगी ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं, ये नहीं होंगे। कोलकाता कैपिटल है, हुगली नदी के तट पर है जी, और रायगंज, सजना खली और महानंदा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, और सिंगलीला, न्यूरा वैली, बुक्सा, सुंदरवन, ये सब क्या है, और गुरुमारा ये नेशनल पार्क है। ठीक है, पहली एल्यूमिनियम लाइट वेट मेट्रो ट्रेन ये पश्चिम बंगाल में ही शुरू की गई है। यहाँ पर डोल यात्रा या डोल महोत्सव भी शुरू किया, मतलब मनाया, डोल यात्रा या महोत्सव का आयोजन भी किया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, माँ योजना, कर्म साथी प्रकल्प योजना, मातृ सृष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना और पुरोचेष्टा योजना, ये सब वेस्ट बंगाल में शुरू की गई। ठीक है, तो ये आप याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के फैक्ट सुन लीजिए, फिर बता तो दिए हैं, अब क्या बताना है। अच्छा, फैक्ट तो सब बता दिए अरुणाचल प्रदेश के, ये सुन लीजिए, अप्रैल 2022 में GST कलेक्शन के मामले में टॉप स्टेट रहा है अरुणाचल प्रदेश। बाकी सारे फैक्ट्स बता दिए। तो ये था दोस्तों 30th मई और 20th मई का सेशन, और ये उम्मीद है मुझे, आई हैव एक्सपेक्टेशन एंड आई होप सो कि आपको बहुत ही सेशन पसंद आया होगा। मिस मत करें, डेली वॉच करें, कंप्लीट वॉच करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।